रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊंघ आ जाए तो चाहिए कि वो सोए रहे यहाँ तक कि नींद का असर उससे ख़त्म हो जाए। इसलिए कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ने लगे और ऊंघ रहा हो तो वो कुछ नहीं जानेगा कि वो अल्लाह ताला से मगफरत तलब कर रहा है या अपने नफ्स को बद्दुआ दे रहा है।